नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी के संदीप सिंह हुए टीडीपी में शामिल। उनका कहना था, एक शराब और जर्दा बेचने वालों को ही कांग्रेस में टिकट दिया जाता है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस द्वारा पैसे लेकर टिकट को बेचा गया और कहा कि महामारी के वक्त उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, परंतु उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब वे टीडीपी से वार्ड नंबर 9 से टीडीपी के उम्मीदवार रहेंगे। आइए देखते हैं। न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए टी डी पी ऑफिस के यहाँ पर, जो मेगापोर्ट के यहाँ पर है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कई लोग यहाँ पर टी डी पी में ज्वाइन हुए हैं आज। और आज हम आए हैं बात करने कांग्रेस के एक जाने माने एक सोशल वर्कर और पार्टी कैंडिडेट, जिनका नाम है संदीप सिंह। और ये आज टी डी पी ज्वाइन हुए हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं आखिर इन्होंने क्यों कांग्रेस को क्विट किया और आज टीडीपी ज्वाइन हुए। इतना मेहनत किया लॉकडाउन में, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोला था कि मेरे को टिकट मिलेगा। मैंने उस हिसाब से काम किया था, काफ़ी काम किया, सारा काम करके। और जब मैंने लॉकडाउन में इतना काम किया, लोगों के बीच में घुसा, पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, तब उसके बाद में ये डीएमके पार्टी वाला यहाँ पे नहीं था, वो चेन्नई में बैठा हुआ था। हम लोगों ने पूरा बस्ती से मिला जुला, सारा काम किया, सारे लोगों के साथ जुड़ा, सब कुछ किया। अब इन लोगों के लास्ट में एक जर्दा बेचने वाला, एक शराब बिक्री करने वाला, हाँ, बिजनेसमैन लोगों को पैसे लेकर के लोग टिकट बेचा है। हाँ, तो हम कहाँ क्या रहेंगे। तो हमारे यहाँ टी डी पी पार्टी के बड़े लोग जैसे मानिक राव जी, सत्या भाई, कांता भाई, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, आज मुझे इधर एक रास्ता दिखाया कि भाई आप हमारे साथ आओ और आगे बढ़ो। बस इसीलिए मैं यहाँ आया और मैं इनका कैंडिडेट हूँ। और मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारा जितना हो सके हमारा सपोर्ट करें, हम आगे बढ़ाएं और हम ये पार्टी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और उसके बीच काफ़ी सारा बात हुआ कि मैं कुलदीप राय शर्मा का रिश्तेदार हूँ, क्या हूँ ये, मतलब बहुत सारा बात हुआ है। तो वैसा तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो उन लोगों ने बोला है कि आज अगर ये बंदा जीत जाता है तो शायद पार्टी छोड़ करके उनके पास चला जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। मैंने आज तय दिल से कहा है कि मैं हमेशा, मैंने देखिए, मैं रास्ते में खड़ा था, इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं ज़िंदगी भर उनके साथ छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके साथ ही रहूँगा। सर, आप अभी, आपको इस वक्त न्यूज़ अब तक के ये आपको बहुत लोग आपको देख रहे हैं, तो आप सर खुल के बताइए आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि आप बहुत ही पहले से आप एक्टिव है कांग्रेस पार्टी में, आपके साथ ऐसा हुआ क्या और आप पे क्या पोस्ट था कांग्रेस पार्टी में? कोई पोस्ट मेरा नहीं था, मैंने कोई पोस्ट लिया भी नहीं था, काफ़ी कोशिश किया उन लोगों ने पोस्ट लेने के लिए। मैंने बोला मेरा पोस्ट वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क करने का आदत है, मैं सोशल वर्क करता हूँ, पब्लिक के बीच में रहना चाहता हूँ। तो जब भी इन लोगों ने बुलाया, जब भी जो भी काम के लिए बुलाया, मैंने काम किया। आपने सीट के लिए अप्लाई की थी? जी, अप्लाई किया था। जब मैंने किया था, वो 15 नंबर वार्ड का पद्मनाभन ने किया था, आपका साहुल भाई ने किया था, सबने कड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया पार्टी के लिए, नहीं करके नहीं है। अरे हम लोगों ने रोया है यार पार्टी ऑफिस में बैठ, हाँ, तब भी उन लोगों ने किसी ने नहीं सुना। जो जो सीट हम लोग का सीट था, जो हम बेहतर निकाल के आते थे, एक नंबर में थे हम, वो सीट भी हमारा काट करके डीएमके पार्टी को दी। सर, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा जो उन लोगों ने मतलब सीट को जो अपने अलायंस को दे दिया है, तो ऐसा क्या हुआ होगा? एक बात बताइए, आज तक कभी आप सुना है कि 9 सीटिंग होता है कोई अलायंस के लिए? पहली बार हुआ अंडमान में, तो आप ही समझ दो क्या हुआ है, अभी हमको क्या बताना है। 9 सीटिंग होता है कोई अलायंस के लिए? टी डी पार्टी के साथ में एक सीटिंग हुआ था, सेकंड सीटिंग में पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया, खत्म हो गया, उधर 9 सीटिंग क्या कर, ये बताइए। इस वक्त आपको आपके वार्ड के जनता देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कही? मैं तो वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप सब मेरा साथ दीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और जुड़ा रहूंगा। अगर मैं जीत जाता हूँ भी तो आपके साथ रहूंगा, हार जाता हूँ भी तो आपके साथ ही रहूंगा। आपका जो भी मदद होगा, जो भी काम होगा, मैं करूंगा, मैं खुल के करूंगा। तो ये थे मिस्टर संदीप सिंह जी, जो काफ़ी साल से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव एक वर्कर थे, सोशल वर्क भी करते थे और पार्टी के सदस्य भी थे। तो आखिर क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने हमें बताया तो है बट खुल के नहीं बताया कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ इनके साथ, बट जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और इसी के कारण आज ये टीडीपी ज्वाइन करे और इन्हें यहाँ पर सम्मान मिले। तो इसी के साथ ही हम बने रहे। इस वक्त आप देख सकते हैं पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर मानिक राव द्वारा यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेशन पेपर यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए, इस वक्त संदीप सिंह जी को नॉमिनेशन दिया गया है वार्ड नंबर 9 के तरफ से। तो सर, आप आप अभी कब जाके इसको नॉमिनेशन करेंगे? 2 बजे के वक्त। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।